गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राइट नाउ मैं हूं भोपाल में। आज मैं भोपाल में चार चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा। सांची स्तूपा, जिसके लिए मैं स्पेशली भोपाल आया हूं। उसके बाद मैं उदयगढ़ी केव्स, अपर लेक और लोअर लेक। और अभी 12 बज चुके हैं और आज मैं अपने दिन की स्टार्टिंग लेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल मैं दिन में नागपुर गया, नागपुर से फिर मैं वापस आया, तो वो जितना भी मेरा सारा डाटा था वो 100 GB के करीब का था। वो सारा मैंने हार्ड डिस्क में भेजा है, ट्रांसफ़र किया, डाटा ट्रांसफ़र किया। उसमें मेरे को टाइम लग गया क्योंकि वो मैंने सारा जो डाटा है वो मैंने सुबह किया। रात के टाइम पे मैं इतना 12:15 बजे करीब यहाँ पहुँचा, इतना थक गया था कि मैं अपना डिनर करके सो गया। तो सुबह उठ के मैंने सारा काम कंप्लीट किया। अब जाके मैं भोपाल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को भरवानी गाड़ी में CNG, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भरवाली CNG भी और पेट्रोल भी। अब GPS पर लगाते हैं लोकेशन सांची स्तूपा की, फिर निकलते हैं यहाँ से। GPS पे लोकेशन लगा दी, 56 मिनट 56 किलोमीटर, 2 बजे पहुँच जाऊँगा मैं अप्रॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहुँच गया सांची स्तूपा। भोपाल से अप्रॉक्स ये 60-65 किलोमीटर दूर है। मैंने जो सुबह से ड्राइव करी है वो है CNG स्टेशन से यहाँ तक 56.8। और रोड जो की जो कंडीशन है वो माशाल्लाह एक नंबर थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी 4th-5th गियर में मैं आराम से चलाता रहा। और जैसे ही सांची स्तूपा पहुंचा तो मेरे को ऐसा लगा जैसे सेम, मतलब यहाँ पे चढ़ाई थी जैसे सज्जनगढ़ फोर्ट में है उदयपुर के टाइम पे, पूरे कर्व सी, बट वो थोड़ी ज़्यादा ही, थोड़ी छोटी थी। ऑलमोस्ट गाड़ी यहाँ पे इजीली चढ़ गई, वहाँ पे भी वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई थी लेकिन यहाँ पे आराम से गाड़ी चढ़ गई है। और ये यहाँ की पूरी पार्किंग है, कोई चार्जेस नहीं है पार्किंग के। मैं आफ्टरनून के टाइम पे आया हूँ, राइट नाउ अब टाइम हो गया 2:08 हो गया, तो थोड़ी सी भीड़ भी है और गाड़ियाँ भी ज़्यादा लग रही है। वैसे कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन टिकट है जहाँ तक है यहाँ पे, लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। टिकट का भी यहाँ पे सेम सीन है, ऑनलाइन आप जैसे दिल्ली में होता है ऑनलाइन QR कोड स्कैन करके आप यहाँ से ऑनलाइन भी ले सकते हो, और वहाँ से काउंटर है टिकट काउंटर, वहाँ से ऑफलाइन भी ले सकते हो। मैंने अपनी टिकट ले लिया, अब चलते हैं अंदर। पहुँच गया सांची का स्तूपा, ये है जिसको बुक्स में बचपन से देखते हुए आ रहे थे बुक्स में, और 200 का जो करेंसी नोट है हमारा उसके ऊपर भी सेम यही है सांची का स्तूपा। ये सांची का स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है और इसको 3री शताब्दी में द ग्रेट अशोका ने बनवाया था। और इसका नाभिक अर्थगोल ईंट संरचना में बौद्ध के अवशेषों के आधार पर बनाया गया है। यहाँ पे आपको 3 स्तूप देखने को मिलेंगे और 50 से अधिक यहाँ पे आपको छोटे छोटे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे जिनके अब सिर्फ अवशेष रह गए हैं। ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मुझे तो लग रहा था सिर्फ सांची का स्तूपा स्तूपा होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे स्तूपा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये।
स्तूपा तो घूम लिया, अब ये म्यूज़ियम मेरे पीछे, म्यूज़ियम कम मंदिर टाइप है, इसको और घूमते हैं अंदर जाके। पर मेरे को जहाँ तक पता है अंदर फ़ोटो खींचने वगैरह अलाउ नहीं होगी। चलो अंदर चलते हैं, जूते उतार के जाना पड़ेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। और मेरे को पता था क्योंकि ऐसी जगह पे म्यूज़ियम वगैरह में कैमरा अलाउ नहीं होता है कुछ भी, मतलब रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड करना। अब यहाँ से निकलते हैं उदयगढ़ी केव्स के लिए। कैमरे पे इतना पता नहीं चल रहा होगा, मस्त अच्छी खासी ढलान है यहाँ पे। ओके पहुँच गए केव्स, और जो केव्स का रास्ता है सांची स्तूपा से मुश्किल से 10.5 किलोमीटर का होगा, और अच्छी रोड्स हैं, ऑसम रोड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप अगर गूगल मैप के थ्रू भी आओगे तो। बस बीच में जब आप रोड से अंदर की तरफ आओगे तो वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जो मैं अभी रिटर्न के टाइम पे आपको दिखाऊंगा। बाकी आप गूगल मैप से आओगे तो आपको गूगल मैप हल्का सा पहले कहेगा कि हाँ आप उदयगढ़ी केव्स पहुँच गए, बट आप तो जो 2-3 गाँव से आते हैं, मतलब घर से आते हैं, उनको आप क्रॉस करोगे। तो अभी मैं आपको बाहर से जो पार्किंग दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ पे पूरी अच्छी खासी यहाँ पे पार्किंग है। अभी टिकट का देखते हैं सीन वगैरह क्या है, सीन होगा तो मतलब टिकट का जो भी सीन है अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले आपको दिखाता हूँ बाहर से पार्किंग। ये है यहाँ की पार्किंग, ये आप मेन रोड ऊपर से आओगे तो ये पार्किंग है, देख सकते हो कितनी बड़ी पार्किंग है। और सामने वहाँ पे टिकट घर, चलो टिकट लेते हैं। यहाँ पे भी टिकट के लिए वही सीन है, अगर आपको ऑफलाइन लेनी है तो आप ऑफलाइन ले लो, अगर आपको स्कैन करके ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन ले लो। होगी टिकट बुक, 20 रुपये की टिकट है यहाँ की उदयगढ़ी केव्स की। अंदर तो आ गया बट मेरे को यहाँ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नेट पे सर्च करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। उदयगढ़ी केव्स में आपको 20 गुफाएं मिलेंगी जो चट्टानों को काट के बनाई गई हैं, और इनमें भारत के सबसे प्राचीन जीवित हिंदू मंदिर भी मिलेंगे जिनमें आपको दुर्गा और विष्णु की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इन स्टेयर्स पे ध्यान से चलना है क्योंकि ये सारे स्टेयर्स एकदम प्रॉपर शेप में नहीं है। ट्रैकिंग हो रही है अच्छी खासी है, सांस फूल गई। एक काम करते हैं, जो नीचे वाला रूट था ना, नीचे वाले रूट से चलते हैं, इधर से कुछ दिख नहीं रहा। नीचे वाला रास्ता तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, वापस ऊपर ही जाना पड़ेगा। रास्ता तो बहुत पतला होता जा रहा है, पता नहीं यहाँ से नीचे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, और कोई रास्ता भी नहीं है, उतर तो जाएंगे ही। ये कोई जंगल होता ना मेरे को डर लग रहा होता, बट यहाँ पे ऐसे किसी जानवर का मेरे को डर नहीं लग रहा। आपको कैमरे पे इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा लेकिन ये सामने ये लेक सी है ना, सॉरी नहर सी है ना, ये ऐसा लग रहा मैं केरल में हूँ क्योंकि एक दो पाम की ट्री भी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, और हरियाली को देख के ऐसा लग रहा मैं केरल में हूँ इस टाइम पे। चलो निकलते हैं अब यहाँ से, टाइम हो गया 4:11। उस साइड से एंट्री हुई थी, इस साइड से एग्जिट, पूरा ऐसा एक राउंड मार के ऊपर से। अब चलते हैं गाड़ी में, के उसको बोलते हैं बाय, निकलते हैं अब यहाँ से। अभी सन आ रहा हो गलत डायरेक्शन में इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा। यहाँ से जो भोपाल के लिए ना 3-4 रास्ते जा रहे हैं, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ जो मैं सुबह आया हूँ, क्योंकि
वो रास्ता शॉर्ट है और अच्छा है, और मैंने दिन में देखा भी है, रोड्स भी अच्छे हैं। अभी जब मैंने स्टार्टिंग में जीपीएस पे लोकेशन लगाई तो उसने मेरे को दिखाया 92 किलोमीटर का रास्ता। मैं यार इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ऊपर से वो येलो में आ रहा था। मैंने दूसरा वाला रूट देखा तो वो 77 में आ रहा था और ग्रीन 77 किलोमीटर और ग्रीन में आ रहा था, तो मैं समझ गया कि ये वही वाला रूट है जो मैं सुबह फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो मैं उसी रूट से वापस जाऊँगा। इस रूट पर एक टोल पड़ेगा जो 45 रुपये का है। अब मेरा मतलब डबल साइड हो जाएगा 24 आवर्स में, तो मेरा कम लगेगा, एक साइड से 45, दूसरी तरफ से मेरे को आइडिया नहीं। अभी यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है अब 76 किलोमीटर, 1 घंटा 43 मिनट मेरे को लगेगी, 6:09 के करीब तक मैं पहुँच जाऊँगा। मैंने लोकेशन डाली है अपर लेक की, जो भोपाल के अंदर है, मैंने उसकी लोकेशन डाली है, वहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहाँ की। और अभी मेरे को आपको दिखाना है इस रूट पे। वैसे तो ये वाला रूट अच्छा है, मतलब भोपाल से अगर आप उदयगढ़ी केव आ रहे हो और सांची स्तूप आ रहे हो तो आप ये वाला रूट जरूर, ये वाला रूट ही लेना, क्योंकि ये रूट अच्छा है, इसकी रोड्स अच्छी हैं। और बस यहाँ पे जब उदयगढ़ी केव आओगे आप तो बीच में जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है ना, उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी कोई इशू नहीं है। अभी मैं बस वो आपको रेलवे लाइन वाला सीन दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या दिक्कत है, बाकी फिर जल्दी से पहुँचते हैं भोपाल। अब पता नहीं एक ही ट्रेन है, दो ट्रेन, तीन, पिछली बार जब मैं उस साइड से आ रहा था ना तो तीन ट्रेन आई थी, इस बार देखते हैं कितनी ट्रेन है। हाँ तो वो जैसे सब फ्लाईओवर है ना, तो फ्लाईओवर के दोनों तरफ रोड्स होती हैं, तो जो लेफ्ट वाली रोड रोड है ना उस साइड से वो तो एकदम ख़राब है, और जो राइट वाली रोड है वो ठीक है, और वो जो रोड है वो दोनों तरफ मतलब इधर से भी जाएगा ट्रैफिक, उधर से भी आएगा, और उस रोड पे ना एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है। तो कुछ दुकानें तो वहाँ पे जो है उनके सामने स्पेस है कि आप अपनी गाड़ी उधर उतार दोगे रोड से तो निकल जाएगी दो, एक टाइम पे दो गाड़ियाँ, वरना एक बार में वहाँ पे एक ही गाड़ी निकलती है। तो आपको यहाँ पे अभी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मे बी आप आओगे जब तक फ्लाईओवर भी चालू हो जाए, और मेरे को लग रहा है दूसरी ट्रेन भी आ रही है। रोड यहाँ से सिर्फ मुश्किल से 300 मीटर होगी बस, बस वो जो एक यहाँ से वन वे एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है ना, वो जगह गड़बड़ है। बस गाड़ी ना आ जाए सामने से, बाइक से तो कोई दिक्कत नहीं है। चल चल मोहित, चल चल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस्मत अच्छी है, आराम से निकल गई किसी बिना किसी दिक्कत के। और लाइटिंग देख रहे हो कितनी अच्छी हो रखी है, पीछे सन है तो सारी चीजें एकदम क्लियर नजर आ रही है। अब यहाँ से मेरे को लेना राइट। अरे यार यहाँ एक तो एमपी में ना ये चीज बहुत है, अभी जो आपको दिखाई देगी ये हार्वेस्टर, कल रात से इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। चलो जल्दी से डिस्टेंस कवर करते हैं ये 68 किलोमीटर का, मैं मिलता हूँ आपसे भोपाल में। ओके, पहुँच गए बड़ी लेक, ये इसकी पार्किंग है वहाँ पे, उस साइड में बड़ी लेक है, ये रोड है और यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। लकीली मेरे को मिल गई पार्किंग, ये रही मेरी गाड़ी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पार्किंग नहीं है। अब चलो ज़्यादा कुछ नहीं, बोट राइड करते हैं। उदयपुर के बाद मेरे को बोट राइड करने का बड़ा मन है, चलो बोट राइड करते हैं। स्पीड बोट का प्लान कैंसिल कर दिया, अब क्रूज़ कर रहा हूँ। क्रूज़ की टिकट 170 की थी, 45 मिनट लेगा, और स्पीड बोट की 300 की थी पर पर्सन, अब वो ज़्यादा हो रही थी। उदयपुर में मैं एक बार मैं स्पीड बोटिंग कर ही चुका हूँ, 45 मिनट 170 रुपीस में ठीक है, इतनी देर लेक में रहूँगा, आराम से चिल मारूँगा, जो नज़ारे उनको इन्जॉय करूँगा। स्पीड बोट तो 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाती।
ओके चलो क्रूज राइड तो हो गई, काफ़ी अच्छा लगा। 170 रुपये दे के इतनी देर तक क्रूज में, और ये पूरी यहाँ पे हैपनिंग जगह आप देख रहे हो, पूरे खाने के स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं। उदयपुर की सॉरी तो उदयपुर मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं है, भोपाल, भोपाल की अच्छी खासी हैपनिंग जगह ही है। जैसे फतेह सागर लेक उदयपुर में, ऐसे यहाँ पे ये अपर लेक के साइड में काफ़ी अच्छी जगह है, हॉर्स राइडिंग, डिफरेंट टाइप के फूड वगैरह, फास्ट फूड, गाड़ी की पार्किंग भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा मैं लेट हो गया था उदयगढ़ी फोर केव से आने में, वरना मैं आपको लोअर लेक भी दिखाता, अब वो रात के टाइम पे मैं क्या ही दिखाऊंगा, नॉर्मल लेक ही है वो, बट ये वाली लेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एक्चुअल में। फाइनली पहुँच गया रूम में, यहीं से करी थी वीडियो की स्टार्टिंग और यहीं करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। फाइनली आज मैंने सांची का स्तूपा देख लिया। मेरा भोपाल आने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि मेरे को सांची का स्तूपा देखना है। मैं बचपन से बुक्स में देखता हुआ आ रहा था सांची का स्तूपा, और अभी जो 200 का जो नोट है उस पर भी सांची का स्तूपा की फ़ोटो है ये। उस टाइम मेरे पास 200 का नोट नहीं था तो उस टाइम मैं आपको नहीं दिखा सका। मेरे पास जब मैंने ट्रिप स्टार्ट करी थी तब मेरे पास 4-5 200 के नोट थे, बट मेरे को उस टाइम याद नहीं रहा कि मेरे को भोपाल में नीड होगी 200 के नोट की, और मैंने आज भी ट्राई किया था कि मेरे को कहीं से मिल जाए 200 का नोट, बट नहीं मिला, मेरा बैड लक। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब करते हैं इस सामान को पैक, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख ही लोगे, क्योंकि मैं निकलूँगा अभी नहीं मतलब सुबह निकलूँगा ग्वालियर से आगरा। ग्वालियर में सिर्फ ग्वालियर फोर्ट एक्सप्लोर करना है मेरे को, फिर नेक्स्ट डे करना है आगरा और फतेहपुर सीकरी, और उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में घर पहुँच ही जाऊँगा। बस 2-3 दिन की ट्रिप और बची है, सेफली इसको कम्प्लीट करते हैं। और सांची का स्तूपा तो मेरे को अभी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, पंजाबी बाग में।